بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. परवरदिगार आलम ने जिन बंदों को अपने से करीब किया और आरा मरातिब पे फाइज किया तो उसकी इसी खूबी को पसंद करते हुए कि वो अपनी ज़ात के अंदर अपने नफ्स के अंदर मुनकसिर थे और इस इनकसारी की सिफत की वजह से वो आरा मरातिब पे फाइज हुए कि जिसमें बाज़ अहादीस इबारत में बयान हो जाएगी। इसके बाद चूँकि असल तो गुफ्तगू हमारी उज्ब के चल रही थी तो उज्ब के बरक सिफत बयान करने के बाद उज्ब का आधा दर्जा वो है किब्र, उसके मुताबिक गुफ्तगू शुरू होगी। तवाज़ु की गुफ्तगू अभी नहीं आएगी, किब्र की गुफ्तगू पूरी हो जाएगी फिर तवाज़ु की गुफ्तगू आएगी। पहले इनके सारे नफ्स की गुफ्तगू पढ़ लेते हैं उसके बाद किब्र की गुफ्तगू आएगी। सफ़ा नंबर 223 के ऊपर एक सरवात पढ़े मोहम्मद आलम। वस्जुन इनकसार नफ्स ज़िद्दुल उजब इनकसार नफ्स व इस्तिकारुहा व कौनुहा फ़ी नज़रही ज़रीरतन महीनतन के उजब की ज़िद्द उजब की बरक सिफत वह है नफ्स का मुनकसिर होना, नफ्स के अंदर पाई जाने वाली इनकसारी व इस्तिकारुहा और अपने नफ्स को हकीर समझना हकीर करार देना। वह कौन हो फिर नज़र ही ज़रीरतन महीनतन और नफ्स इंसान के अपने आप के नज़दीक ज़रीर और पस्त करार पाए, इंसान समझे कि मैं पस्त तरीन बंदा हूँ परवरदिगार का, मैं कम तरीन हूँ। जो जो सिफत है उसके जहन में आती जाए उसमें ये तसव्वुर करता जाए कि मैं इन औसाफ में से किसी भी सिफत में बढ़कर नहीं हूँ। व कमा अन्नर उजबा मुजरद व इस्तेज़ामी नफ्स से मिंदून एतबार इस्तिसगार गैर माँ हूँ व कज़ा ज़िद्द हूँ मुजरद व इस्तिकारी नफ्स से मिंदून इश्तरात एज़ाम गैर माँ हूँ। तो जिस तरह से उजब के अंदर इसे मुआवजा नहीं था, फ़कत अपने आप को बड़ा समझना यह उजब हो गया था, कहते इस तरह से इनके साथ फ़कत अपने आप को हल्का समझना अपने आप को पस समझना ये इनके साथ ही हो जाएगी, इसमें मुआवजे वाली कैफियत नहीं आएगी। कहते अज़र अव्वल मा एतबार सानी तकब्बुरून, इसे कि अगर पहली चीज़ दूसरी चीज़ के साथ आ जाए तो वो तकब्बुर होगा। जब से तकब्बुर है यहाँ पे मगर ये वज़ाहिर है कि किब्र होना चाहिए, तकब्बुर वो मरहला आएगा जब इजहार का मरहला आएगा। तो पहली चीज़ दूसरी चीज़ के साथ हो जाए मुराद क्या है कि अपने आप को बड़ा भी समझे और किसी से मुकायसा भी करे कि मैं उससे बड़ा हूँ, मसलन मुझे सर्फ के सीगे उससे ज़्यादा अच्छे आते हैं, मेरी इबादत उससे ज़्यादा अच्छी है, या मतलब मुझे फिकी मसाए उससे ज़्यादा आते हैं। जब मुकायसा शुरू हो जाए, पहले जब तक मुकायसा नहीं था तब तक फ़कत उजब था, उस पर किब्र की मंजिल आती है। तो इसी तरह से कहते वह सारे से माँ इश्तात राबे, जब इनके सारे में यही बड़ी सिफत आ जाए कि इंसान अपने को पस समझे वो किसी से मुकाबला कराते हुए कि फ़ना आदमी के मुकाबले में मैं फ़िक्र में कमज़ोर हूँ, फ़ना के मुकाबले में मैं नहों में कमज़ोर हूँ, फ़ना के मुकाबले में सर्फ में कमज़ोर हूँ। जब ये वाली कैफियत हो
तो इसको क्या कहा जाएगा, कहते तवाज़ुन, तो ये तवाज़ु है। इसका मतलब ये नहीं कि कमज़ोर रहना तवाज़ु है, कमज़ोर रहना तवाज़ु नहीं है। ये ना समझे क्या कमज़ोर रहना चाहिए ताकि तवाज़ु पैदा हो। इंसान चाहे आला मकाम पे फायज हो फिर भी अपने आप को कमतर समझे, और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि अपने से ऊपर वालों को देखे। अगर किसी को मसलन 10 मसले याद है तो उसको देखे कि जिसको 15 याद हैं तो मजीद 5 याद करेगा, तो उसको देखता रहेगा कि जो उससे 5 ही याद है तो फिर अपने को बड़ा समझता रहेगा कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ। तो तरक्की के लिए ऊपर वालों को देखना ज़रूरी है, ऊपर वालों को देखेगा तो फिर तवाज़ु पैदा होगा। तो खुलासा ये हुआ कि उजब की ज़िद है इंकसार और किब्र की ज़िद है तवाज़ु। ऐसा ना कि उजब की ज़िद तवाज़ु को बना दिया जाए, तो तवाज़ु ज़िद है किब्र की और उजब की ज़िद इंकसार है। अगर दूसरे को शौक भी दिलाना है तो इंसान अपनी बात ना करे, बल्कि जो है वो कहे कि ऐसे अफराद भी है कि जिनको ज़्यादा आता है, तब उनको मियार बनाओ, बजाय कि इंसान अपनी बड़ाई हाँकने के और बताने के मुझे यही आता है तुम लोगों को नहीं आता कुछ। मिसाल के तौर पर किसी और को पेश करें, नाम पेश करना है तो नाम पेश करें, अगर वो शख्सियात अच्छे लोगों में से है तो उन शख्सियात के नाम पेश करें कि फ़लाँ आलिम दीन थे उनको ये याद था। अगर नाम पेश करना नहीं चाहता तो एक आदमी एक फ़र्द यूँ कह के तो बजाय कि अपना पेश करना, देखिए मुझे इतना आता है आप लोगों को इतना नहीं आता, वो अच्छा नहीं माना गया। दुनिया में ज़रूर रुसवा नहीं होना है, उसको अपने नफ्स के अंदर उसे मुनकसर बनना है, अपने आप को जो है सबसे हल्का समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि हल्का बनाना है लोगों के सामने। अब जब एक आदमी के पास कोई आके मसला पूछता है और मसले का जवाब दे रहा है, इसका मतलब आदमी तो ये जानता है कि मुझे ज़्यादा आता है उसको नहीं आता है, तभी तो पूछने आया है तो उसे मालूम है। तो ये जानने के बावजूद वो ये इसको मियाद ना बनाए कि देखिए ये आदमी पूछने आया इसको नहीं आता मुझे आता है, मगर अपने आप को हल्का समझे कि मुझसे बहुत ज़्यादा जानने वाले बहुत से लोग पड़े हुए हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो अपने आप को उन लोगों के मुकाबले में हल्का समझे कि जो उससे ज़्यादा जानते हैं। इसका मतलब नहीं कि ये आदमी जो जाहिर है उसके सामने अपने आप को रुसवा करे कि भाई मुझे तो आपके जितना भी नहीं आता, तो उसे आता है तो बताना है उसको। तो यहाँ पर कोई ना ऐसा से कमतरी वाली बात है ना ज़रूर रुसवा करने वाली बात है, मगर अपने नफ्स को ज़रूरी समझना है, पस्त समझना है, हल्का समझना है ताकि गुरूर पैदा ना हो। मगर जब लोग सामने आएंगे तो उनके एतबार से ही उनको मसलन जो है सुलूक करेंगे, वो जाहिर है वो हमें कोई पूछने आ रहे हैं हमें आता है तो बताएंगे। तो उसमें ये नहीं कि हम बैठे रहेंगे भाई हम तो जो है वो कुछ जानते ही नहीं है, जानते तो बताना पड़ेगा दोनों जो जी है। जी तो आलिम है पता चलाने के मसलन दो तरीके हैं, एक तो एक हम जो इश्तहार लगाएं पब्लिसिटी करवाएं हम कि हम जो मौलाना बन गए हैं किसी को मसला पूछना है तो हमसे रुजू करें, मगर ये तरीका इल्म दीन में अच्छा नहीं माना जाता है। इल्म को कहा गया कि इल्म जो है रोशनी की मानिंद है, अगर किसी से मुंसलिक हो जाएगा इल्म तो अतराफ के लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। सूरज कभी मसलन पहले ऐलान नहीं होता कि भाई सूरज निकलने वाला है, जैसे निकला सबको पता चल जाता है। तो इल्म को जो रोशनी की मानी माना गया था, अगर किसी के पास इल्म है तो खुद बखुद ही अतराफ वाले लोगों को पता चलेगा और रुजू करेंगे उसके पास। पब्लिसिटी आमतौर पर वहाँ होती है कि जहाँ चीज़ ऐसी होगी जो लोगों को पता ना चल सके, तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा अगर इल्म होगा हमारे पास। तो बाद अवकात हम ये भी करते हैं कि दो चार तकरीर अच्छी से याद कर लेते रट्टा लगा के,
मिंबर पे जाके धुआंधार तकरीर कर दी, लोग समझते कि हम बड़े आदमी बन गए। वो कब तक होता है? वो धोखा जो है 6 महीने चलता है, साल चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। इसके बाद इसे कि वो 5 याद की थी वो तो ख़त्म हो गई, 5 वाली तकरीर कितनी दफ़ा चलाएंगे, फिर इल्म की कैफियत सामने आ जाती है। तो असल इल्म जो है वो छुपा नहीं सकते इंसान, धोखा वक्ती तौर पर दे सकता है। जैसे मार्केट में चीज़ों के लिए भी है कि आपने जो है वो बेहतरीन पैकिंग के साथ चीज़ बेचना शुरू की, तो पैकिंग देख के लोग कितनी दफ़ा चीज़ें लेंगे, 2 दफ़ा 3 दफ़ा। अगर अंदर का मटेरियल सही नहीं होगा तो पैकिंग से 2-4 दफ़ा ज़्यादा धोखा नहीं खाएंगे। हाँ, अंदर माल सही होगा तो फिर वो चीज़ चलती रहेगी। तो असल जो है इल्म है, और वो नूर की तरह से वो खुद ही पता चल जाएगा लोगों को, उसमें किसी तरह बताने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो पब्लिसिटी ये अफराद की नहीं है, वो तो उन लोगों के लिए कि जो मसलन इल्म हासिल करना चाहे वो रुजू कर सकते हैं, इसके लिए पब्लिसिटी। अफराद की पब्लिसिटी करना जी, ट्यूशन वगैरह वो तो इल्म दीन में नहीं आता ना, आम तो भाई जो दुनियावी तालीम के वास्ते ट्यूशन सेंटर होते हैं जी, गलत तो नहीं माना जाएगा। इनमें दिन में रिवाज नहीं पब्लिसिटी का, मगर इसमें मुमकिन है किसी खास जगह पे ज़रूरत पेश आती हो कि वहाँ पे मुमकिन है किसी मौलाना को बोर्ड भी लगाना पड़े, मगर अच्छा नहीं समझा जाता आमतौर पर इसको। और वो पब्लिसिटी वाला मौलाना जो है वो ज़्यादा इल्म वाला माना भी नहीं आता लोगों की नज़रों में, इसलिए जो फितरी तरीका है उसी को अपनाया जाए। जैसे कभी भी आपने हीरे के ऊपर बोर्ड लगा हुआ नहीं होगा देखा होगा कि जिसमें लिखा होगा ये हीरा है, कोई शीशे को जो है जादी हीरा बना के देना चाहे तो मुमकिन हो शीशे के टुकड़े के ऊपर बोर्ड लगा दे तो ये फना वाला हीरा है। तो बात चीज़ें खुद अपनी पहचान खुद ही करवा रही होती है, और वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, तो बजाय कि इंसान जो पब्लिसिटी करवाए या कोई और तरीका अपनाए। सुम्मा ला रही बाफी फवायद इंकिसारी नफ्स से व इस्तिसगार हाँ, और इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इंसान अगर अपने आप को हल्का समझता है, अपने नफ्स को जो है वो छोटा करा देता है, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और फिर कानून कुल्ली बयान करें, आप तमाम अंबिया और औसिया और औलिया के अंदर ये बात देखेंगे कि वह कुल मन बलगा मरतबतन अज़ीमतन फ़इन्नमा बलगा बिहाज़ी सिफ़ा, कि जो भी आला मरतबे पहुँचा है, जो भी बुलंद मकाम पे पहुँचा है, वो इसी सिफत की वजह से पहुँचा है, क्यों उसके अंदर जो इस्तकार नफ्स की इनके साथ नफ्स की सिफत थी कि अल्लाह ताला इंदर मुनकसरत क़ुलूबिहिम, इसका अल्लाह ताला जो है उस आदमी को पसंद करता है, और इतना पसंद करता है कि गोया उसके पास है। किस आदमी के पास है? कि जिसका दिल जो है वो मुनकसर है, जो अपने को बड़ा नहीं समझता, अकड़ता नहीं है। अकड़ने के मुराद ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि बाहर से अकड़े, बाज़ लोग दिल से अकड़ रहे होते हैं, बाहर बड़े मुनकसिब बन के फिर रहे होते हैं, कि दिल के अंदर भी अकड़ ना हो। वक़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मा मिन अहदिन इल्ला व मा हुम मलकान, कि कोई भी आदमी नहीं है मगर कि उसके साथ 2 फरिश्ते लगे हुए होते हैं। वह अलैह हुक्मतुन युमसिकान हा, और उस आदमी के ऊपर एक लगाम डाली हुई होती है, और वह लगाम को दोनों फरिश्ते थामे हुए होते हैं। फ़इन हुआ रफ़अ नफ़्सहु, जब इंसान अपने दिल में अपने आप को बड़ा समझने रखता है कि मैं कुछ हूँ, तो ये दोनों फरिश्ते क्या करते हैं? हब्बज़ाहा, कि वो लगाम को खींचते हैं ताकि वो होश में आए, मगर जब वो फिर भी होश में नहीं आता है तो सुम्मा काला, फिर दोनों फरिश्ते परवरदिगार से दुआ करते कि अल्लाहुम्मा ज़ेहु, कि परवरदिगार इनको इसको गिरा दे, इसको पस्त कर दे, इसे कि अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, तो अब तो इसको ज़रीर कर। व इन वज़ा नफ्सहु, और अगर ये आदमी अपने नफ्स को हल्का समझता है, गुरूर में मुब्तला नहीं होता है बल्कि बरक चीज़ें सोचता है,
कि मैं तो पस्त आदमी हूँ। पस्त आदमी से मुराद खुदा की बारगाह में पस्त, इसे पस्त लोगों के सामने पस्त बनना अच्छी बात नहीं है, खुदा की बारगाह में हकीर हूँ। तो कहा तो दोनों ये फरिश्ते कहते कि अल्लाहुम्मा इरफा हूँ, कि परवरदिगार तू इसको बुलंद कर। तो अगर इंसान चाहता है कि बुलंद हो तो उसे अपने आप को हल्का समझना पड़ेगा कल्ब के अंदर, और अगर चाहता है कि खुदा की बारगाह में पस्त हो जाए तो भी गुरु में मुक्त रहो, अपने आप को बड़ा समझिए। व रोवैया, और ये भी रिवायत में आया है कि अन्नहु अवहल्लाह तआला इला मूसा अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह ताला ने जो है मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि इन या मूसा अतदरी रेमा इस्तफ़ैतु का बेकलामी दून खल्की, कि ए मूसा क्या तुझे पता है कि मैंने तुझे क्यों मुस्तफ़ा बनाया, क्यों चुना इस बात के लिए कि मैं तुझसे कलाम करता हूँ, जबकि बाकी मखलूकात में किसी से कलाम नहीं करता हूँ। हज़रत मूसा कलीमुल्ला थे, परवरदिगार आलम से डायरेक्ट बात होती थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। तो अब क्या वजह थी कि हज़रत मूसा कलीमुल्ला बने? कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम से अर्ज़ किया कि या रब्बे वलिमा ज़ालिक, कि परवरदिगार तू ही बता कि क्यों मैं कलीमुल्ला बना, मुझे तो इसकी वजह नहीं पता है। तो फ़अवहल्लाह तबारक व तआला इलैह है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि इन्नी क़ल्लबतु इबादी ज़हरन लबतन, कि मैंने जो है अपने बंदों में तमाम का मुकम्मल तौर पर मुशाहिदा किया और देखा कि उसके दिलों के अंदर क्या क्या है। तो फ़लम अजिद फ़ीहिम अहदन अज़ल्ल नफ़सन ज़ी मिनका, तो मैं उन बंदों में से किसी एक को भी ऐसा नहीं पाया कि जो तुमसे ज़्यादा अपने आप को ज़रीर और रुस्वा समझता हूँ, कि तुम सबसे ज़्यादा अपने आप को मेरी बारगाह में ज़रीर और रुस्वा समझते हो या मूसा। फिर परवरदिगार वो ख़ास बात भी बयान कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा को जो है वो पसंद आए कि इन्नका एज़ा सल्लैता वज़ाता खदका अलत्तुराब, कि मूसा जब तुम नमाज पढ़ते हो तो अपने रुखसारों को मिट्टी पर रख देते हो, ये जाहिर करने के लिए कि तुम पस्त और ज़लील हो खुदा की बारगाह में, और तुम्हारा ये अमल मुझे पसंद आया और इसकी वजह से तुम जो है वो करीमुल्ला करार पाए। इसी तरह की एक और रिवायत कि वो रोवैया अन्नहु लम्मा अहवल्लाह ताला इला जिबार, कि जब परवरदिगार आलम ने पहाड़ों की तरफ वही की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब पूरा वाक़िया तो तफ़सील से आपको मालूम है, बिल आके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके कश्ती में सवार हुए और कश्ती फिर जिस जगह पे आके रुकी थी उस जगह की पहाड़ी के हवाले से इसमें तस्किरा है कि परवरदिगार आलम ने पहाड़ों से वही की कि इन्नी वाज़ उन सफ़ीनत नूहिन इन्दी अला जबलिन मिन कुन्ना, कि मैं जो है नूह के सफ़ीने को तुम जितने पहाड़ हो उनमें से किसी एक पहाड़ के ऊपर ठहराने वाला हूँ मैं। फ़तवलत व शमखत, तो पहाड़ों भी गुरूर आ गया, तो उठने लगे, ऊँचे होने लगे, तकबर करने लगे कि हमें ये फजीलत मिलने वाली है। वह तवाज़ा जूदी, मगर जूदी का जो पहाड़ था उसने तवाज़ो की, वो झुक गया कि ठीक है मैं नूह अलैहिस्सलाम के सफ़ीने का इस्तिकबार करने के लिए आमादा हूँ। वह हुआ जबल इंदकुम फ़ोरे बत सफ़ीनत बे जू जो ये हल जबल, कि जब इस पहाड़ ने तवाज़ों से काम लिया दूसरे पहाड़ों के मुकाबले में, तो परवरदिगार आलम ने इस सफ़ीने नूह अलैहिस्सलाम को इस पहाड़ के वहाँ पहुँचाया, मगर जब ये सफ़ीना टकराया इस पहाड़ से तो जो कश्ती में बैठे थे वो सब भी परेशान हो गए थे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी परेशान हो गए थे। तो फ़कारा नूह अलैहिस्सलाम इंतज़ार, इस मौके पे नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे या माली अतखिन, ये किस ज़बान का है कि वह अभी सरियानियत या सुरियानियत, सुरियानी ज़बान का ये जुमला है, मतलब क्या था कि रब असली, कि परवरदिगार महफूज कर ले, इससे कि उस मकाम पे आके कश्ती भी धड़खड़ाने लगी थी। तो ये तीन बातें बयान हुई, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हदीस और दो और रिवायतें कि जिसमें इनकिसारी की फजीलत को बयान किया गया और ये वाज़ह किया गया कि इनकिसारी
तमाम मखलूकात के लिए, चाहे वो मखलूकात के जो जानदार नहीं हैं, वो अगर बुलंद होना चाहते, वो भी किसी फजीलत के हामिल होना चाहते हैं। हाँ, बज़ाहिर तो ये कि उस ज़माने में जितनी मखलूकात थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के में सबसे अफजल थे, तो उस ज़माने में जितने अफराद थे उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़ के कोई मुतवाज़े नहीं था। ज़ाहिर सी बात है, रुतबे के एतबार से उनसे बढ़ के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, अपने ज़माने के सबसे मुतवाज़े थे, पीछे से हमारे रसूल इमाम अतहर अलैहिस्सलाम। तो ये इंकिसार की बहस जो है वो मुख्तसर थी और ख़त्म हो गई। वो भी ज़िमनन बीच में मुसनफ़ ने इसलिए पेश की कि उजब की ज़िद है ये, वरना असल तो क़ुव्वत ग़ज़बिया की हमारी गुफ्तगू चल रही है, और उसमें उजब के बाद का दर्जा क्या है? किब्र। उजब में ये था कि वो किसी से मुकायसा नहीं कर रहा था। अब इंसान में जब किब्र पैदा होता है, किब्र उजब का नतीजा है, पहले इंसान अपने को बड़ा समझना शुरू करता है, जब उसमें बड़ापन की ख्वाहिश आती है तो फिर मुकाबला करता है कि फ़ला से बड़ा हूँ, फ़ना सिफत में फ़ना से बड़ा हूँ, फ़ना चीज़ मुझे फ़ना से ज़्यादा आती है, फिर मुकायसा शुरू होता है, और वो कैफियत है किब्र की। और किब्र की मजम्मत में कुछ बातें शुरू कर देते हैं और बता तफसीर से गुफ्तगू इसकी अगले दस में आएगी। अल किब्र वक़द अरफ़्ता अन्नहु रुकून व इला रुयति नफ्स फ़ौक़ ग़ैरिह। ये जो किब्र की तारीफ़ है, ये तो आपको मालूम है कि किब्र यानी झुकाव पैदा करना नफ्स का, इस बात के तब कि मैं दूसरे से फौकियत रखता हूँ, दूसरे के ऊपर मैं बुलंदी रखता हूँ। इंसान अपनी सखावत की सिफत को देखता है, कहा मैंने 10 रुपये दे दिए फ़कीर को, कहा वो आदमी 1 रुपये नहीं देता है, या वो देता है तो 1 रुपया देता है, अपनी फौकियत। उज में क्या था कि फौकियत वोकियत का तस्करा नहीं था, अब इसमें फौकियत की बात आ जाए तो वो किब्र हो जाएगा, वह भी इबारत अवज़ा, या दूसरे अल्फाज में किब्र की ये वाली तारीफ भी हो सकती है कि वो हुआ इज़्ज़तुन व ताज़ीमुन यूजिब रुयत नफ्स फ़ौक ग़ैरिह व एतिक़ाद मसीयत व रुझान अलैह। ये दूसरी तारीफ है किब्र की, कि किब्र यानी अपने आप को इज़्ज़त वाला समझना, अपने आप को अजमत वाला समझना। इज़्ज़त वाला और अजमत वाला समझना किस तरह से, कि यूजिब हो कि ये इज़्ज़त और अफजल वाला समझना, कि यूजिब हो रुयत नफ्स के, जिसकी वजह से वो अपने नफ्स को देखे फौकर गैरे, दूसरे से बुलंद। वह एतकाद और मसीहत व रुझान आ रहे, और ये अकीदा बना रहे, ये जहन में बात बिठा रहे कि मैं दूसरे से बुलंद हूँ और दूसरे पे फजीलत रखता हूँ। ये किब्र की दोनों तारीफें बयान हो गई। फहुआ यस्तद ए मुतकब्बिर न रहे, और ये किब्र दावत देता है कि इंसान मुतकब्बिर बनता है। तो पहले उज्ब पैदा होता है, उज्ब का नतीजा किब्र होता है, किब्र के बाद तकब्बुर पैदा होता है। जब इंसान के कल्ब में महसूस होता है कि मैं बड़ा हूँ, तो वह सोचता है मैं किससे बड़ा हूँ, फिर वो अपने से छोटे से को ढूंढता है, कहाँ उससे बड़ा हूँ, कि ठीक है मैं सच में 2 दफ़ा फेल हुआ, वो 3 दफ़ा फेल हुआ है, उससे तो बड़ा हूँ मैं, फिर वो इसको देखता है। अच्छा, उसके बाद फिर तकब्बुर की मंजिल आती है, अब रोब झाड़ना, तकब्बुर दिखाना भी तो है कि मैं 2 ही दफ़ा फेल होने वाला हूँ, तो वो 3 दफ़ा फेल होने वाले पे अपना रोब दिखाएगा मसलन। तो तकब्बुर ये नतीजा है किब्र का, और किब्र नतीजा है उजब का, तो उजब आएगा तो फिर किब्र होगा, किब्र होगा तो फिर तकब्बुर होगा। वह बेही या तफज़्ज़ुर अनिल उजब, और इसी वजह से किब्र जो है वो उजब से फजीलत रखता है। फजीलत से मुराद रुतबा बुलंद है इसका, फजीलत बाज़ वक़्त खराबी भी होती है, तो ये खराबी के अतबार से ज़्यादा फजीलत रखता है। इसलिए कि फज़्ल का लफ्ज़ी माना क्या है? ज़्यादा होना, तो उजब के मुकाबले में इसमें ज़्यादती होती हैं। कहते अज़र उजब व मुजरद व इस्तेज़ाम नफ्स से मिंदून एतबार रुयत या फ़ौकर गैर, कि उजब में फ़कत अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है, बगैर इसके कि दूसरे को देखे, दूसरे से अपना मुआजना नहीं कर रहा होता, मुकायसा नहीं कर रहा होता, सिर्फ अपने आप को अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि मुझे कितना अच्छा आता है,
मगर फिर कब्र में आता है कि फना से अच्छा आता है। तो इसका मतलब क्या है कि उज बुनियाद है और किब इसका नतीजा है कि फर उज वो सबब किब्र और किब्र में नतज ही कि उज जो है वो किब्र का सबब है और किब्र जो है वो नतज उज में से हैं। किब्र जब इंसान के अंदर पैदा होता है तो फिर इंसान के ऊपर उसके क्या क्या असरात मुतरतिब होते हैं। जब इंसान अपने आप को बड़ा समझना शुरू करता है और फिर दूसरों के साथ इसका मुकायसा करता है और ये समझता है कि फ़ना से ज़्यादा सकी हूँ, फ़ना से ज़्यादा साहिब फजीलत हूँ, तो उसके बाद असरात क्या मुतरतिब होते हैं, इसके वजह से गुफ्तगू आएगी। उसके बाद किब्र की मजम्मत में जो कुरान की आयत और अहादीस मौजूद हैं इसके ऊपर काफ़ी मुफस्सर गुफ्तगू हैं, आराम से 15 से 20 हदीसें बयान हुई इसके ऊपर। और फिर इंसान की पस्तरीन वो कैफियत के जहाँ पे इंसान खुदा के सामने भी अकड़ने रखता है, नमाज़ पढ़ते वक्त भी किब्र कर रहा होता है कि मेरे जैसी नमाज खुदा के कौन पढ़ता होगा, खुदा के सामने भी किब्र होता है उसका। रोज़ा रखते भी होता कि मेरे जैसा मुती कौन होगा खुदा का, कि खुदा जो है बहुत से रोज़ा रखने वाले होंगे, मेरे जैसा रोज़ा कोई नहीं रखता होगा। हज करता है तो भी किब्र होता है कि खुदा के खातिर मैंने मसलन ये सारी कि वो खुदा पे कोई एहसान जता रहा होता है, वो बदतरीन किब्र। उसकी मजम्मत में जो अहादीस वारिद हुई है उसका बयान होगा और फिर मखलूकात के सामने जो इजहार किब्र होता है और फिर आखिर में जैसे मुसलमान का तरीका है कि फिर इसका इलाज बताएंगे कि किब्र अगर ख़त्म करना हो तो इंसान को क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, शुरुआत पढ़ेंगे। गुफ्तगू किब्र के हवाले से शुरू हुई थी और इस बात को बयान किया गया था कि उज्ब के नतीजे में किब्र पैदा होता है और किब्र के नतीजे में तकब्बुर पैदा होता है। गोया उज्ब जो है वो बीज है, जब बीज तरक्की पाता है तो किब्र पैदा होता है और फिर वो जब दरख्त की शक्ल में ज़ाहिर होना शुरू होता है तो वो तकब्बुर होता है। जैसे ज़मीन के अगर एक के अंदर एक दाना डाला जाए तो दाने का वजूद ये गोया उज्ब है और जब दाना ज़मीन के अंदर शिगाफ्ता होगा तो गोया किब्र है और जब ज़मीन के बाहर वो ज़ाहिर होगा तो वो तकब्बुर है। या जैसे कि बाज़े अहले इल्म इसकी तमसील इस अंदाज़ से देते हैं कि जैसे इंसानी जिस्म के ऊपर निकलने वाला फोड़ा तो पहले इंसान के खून में खराबी पैदा होती है तो वो गोया उज्ब की तरह से है। उस खराबी की वजह से जिस्म के किसी हिस्से में उभार आता है तो वो किब्र की तरह से है और फिर उसके अंदर पीप निकलना शुरू होता है, वो तकब्बुर है। सबसे पहले कैफियत इंसान के कल्ब में ये होती है कि मैं बड़ा हूँ, अपने आप को किसी भी सिफत के हवाले से बड़ा समझना कि मैं बड़ा सखावत करने वाला हूँ, मैं बड़ा इल्म वाला हूँ, मैं बड़ी शोहरत वाला हूँ, किसी भी एतबार से बड़ा होना, ये जज्बा पैदा हो, ये उज्ब है। उसके बाद इंसान मुआजना शुरू करता है कि मैं फ़ना से बड़ा हूँ, क्योंकि फ़ना के मुकाबले में ज़्यादा जानता हूँ, फ़ना के मुकाबले में मैं ज़्यादा सखी हूँ, फ़ना के मुकाबले में फ़ना खूबी मेरे में ज़्यादा है। जब ये मुआजना शुरू होता है तो इसको कहते हैं किब्र। और जब ये आज़ा और जवारे में ज़ाहिर होना शुरू हो जाए कि इसकी वजह से इंसान अकड़ के चलने लगे, इसकी वजह से दूसरों को हकारत से घूरने लगे, यानी ऐसे काम करने लगे कि जिसका इजहार जिस्मानी तौर पर भी होने लगे, तो ये कैफियत है तकब्बुर की। तो सबसे ख़तरनाक सूरत जो है वो तकब्बुर की है, मगर अगर कोई इसको ख़त्म करना चाहता है और जड़ से ख़त्म करना चाहता है तो पहले उसे उज्ब को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर उज्ब कल में बाकी है, दिल के अंदर मौजूद है, तो फिर वो किब्र की मंजिल पर पहुँचेगा और उसके बाद आगे जाके तकब्बुर की मंजिल पर पहुँचेगा। और किब्र के बारे में जो आयात और अहादीस बयान हो रही है इससे किब्र की मजम्मत वाज़ह हो जाएगी। इसे यहाँ तक हदीस में बयान हुआ है कि अगर किसी के दिल में
राय के दाने के बराबर भी किब्र होगा तो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जन्नत में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान का कल्ब जो है वो किब्र से खाली हो, और इस हद तक किब्र भी ना हो कि जिसको कहा जाए कि राय के दाने के बराबर का किब्र, इतना किब्र भी उसके अंदर ना पाया जाता हो। तब इबारत में जो बातें बयान की गई उसको देख लेते हैं और उन आयात को और उन अहादीस को। तो सफ़ा नंबर 224 तक गुफ्तगू पहुँची थी सुमर किब्र से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमर किब्र, अब किब्र की पहले तो तारीफ कर रहे हैं कि किब्र कहते किसे हैं। इज़्ज़तुल मूजिबतु रुयत नफ्स से फ़ौकर गैर, कि किब्र की तारीफ ये है कि इंसान का अपने आप को ऐसा इज्जत वाला समझना कि जिसकी वजह से वो अपनी ज़ात को दूसरे से बड़ा समझता है, दूसरे से बुलंद तसव्वुर करता है। कि तो वह खुल्कुल बातिन यक तजी आमालन फिर ज़ाहिर या समरा, तो कि यह असर तो बातिनी खराबी है मगर इसका फल ज़ाहिर में निकलता है। जब दिल के अंदर गुरूर पैदा होता है तो इसका इजहार आज़ा और जवारे के ज़रिए से होता है। वह तुसम्मा तिरकर आमाल ज़ाहिर तो सादर तो मिनहु तकब्बुरन, और वह आमाल कि जो किब्र के नतीजे में सादिर होते हैं उन आमाल का नाम क्या है? तकब्बुर। वो अमल जो ज़ाहिर होगा, वो काम जो ज़ाहिर होगा किब्र की वजह से, उसको कहा जाएगा तकब्बुर। वरज़ा मन तअज़्ज़ज़ा वरअ नफ़्सहु बातिनन फ़ौक़र ग़ैर मिन दून सुदूर फ़ैरिन अरा जवा रही है। इस वजह से जो आदमी फ़कत अंदर ही अपने आप को बड़ा समझता हो और दूसरे से अपना मुआजना करते हो कि अपनी फौकियत का इजहार करता हो कि मुझे फ़ना से ज़्यादा आता है या मैं फ़ना से ज़्यादा अच्छा हूँ, अपनी किसी खूबी पे खुश हो रहा है मगर दिल ही दिल में हो रहा है, तो अभी ये नहीं कहा जाएगा ये मुतकब्बिर हैं। मिंदू ने सुदूर फेरिन अला जवारी, बगैर इसके कि अभी आज़ा व जवारे से कुछ सादिर हो, कल्ब के अंदर ये वाली कैफियत है। कहते युकार हो किब्रून, इसको किब्र कहा जाएगा, इसको भी तकब्बुर नहीं कहेंगे। वाइज़ा ज़हरत अल-आमाल युकार हो तकब्बुरून, मगर जब ये आमाल के अंदर ज़ाहिर भी होने लगे तब इसको कहा जाएगा ये तकब्बुर हैं। वहाज़ आमार ज़ाहिरतु ज़ती है या समरा तो खुल किब्र अफ़आलुन व अकवारुन तूजिबो तहकीरत गैर व इज़रा बही। और जब तकब्बुर आमार में ज़ाहिर होना शुरू होता है तो फिर कैफियत क्या होती है? कहते इसके नतीजे में इंसान वो काम करता है या वो बातें करता है कि जिसके ज़रिए से वो दूसरे को हकीर करा देता है, अपनी बड़ाई हाँ करा होगा, अपनी ऐसी ऐसी बातें बयान कर रहा होगा कि जिसका नतीजा ये निकल रहा होगा कि सामने बारे में वो वाली सराहत नहीं कि जो मुझ में पाई जाती हैं, या बातें ऐसी करेगा या आमार ऐसा अंजाम देगा ये दिखाने के लिए भाई सामने वाले को नहीं आता मुझे आता है ये, तो आमार और अकवार में अपनी फौकियत को ज़ाहिर करेगा। जैसे का तरफ़ अन मौके रहते ही वो मजार सहते ही, जैसे वो बुलंदी चाहेगा कि खाने पीने के लिए उसके खसूसी इंतज़ाम हो या बैठने के लिए उसको खसूसी जगह दी जाए, किसी मकाम पे इज्तिमाई तौर पे खाने का बंदोबस्त किया गया हो तो वो चाहते उसको सबसे अलग से जगह दी जाए, अलग से उसका इंतज़ाम किया जाए कि वो सबसे बड़ा है सबके साथ कैसे बैठ जाएगा, किसी मकाम पे बिठाए जा रहे हैं तो कहते आम पब्लिक के साथ ना बिठाया जाए, उसको स्टेज पे बिठाया जाए, खुसूसी जगह दी जाए। अब इसकी ये ख्वाहिशें पैदा होना शुरू होगी, वो ये इजहार होना शुरू हो जाएगा। वर इस्तिन काफ़े अन मुराफ़ कते ही व मुसाहबते ही, और जो उसका हम रफीक हैं जिसके साथ साथ में उठना बैठना है या जिसके साथ आना जाना है उसके ऊपर वो बार बार अपनी फौकियत का इजहार कर रहा होगा, बात बात में उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, हर चीज़ में ये जाहिर कर रहा होगा कि तुम में फ़ना चीज़ नहीं पाई जाती मुझ में पाई जाती है, मैं फ़ना चीज़ में तुमसे आगे हूँ तुम जो इस मामले में पीछे हो। वह इबाद ही नफ्स ही, और वो अपने नफ्स को इतना बुलंद समझ रहा होता है
कि वो इख्तियार कर रहा होता कि मैं जिस मकाम पे पहुंचा हुआ हूँ इस मकाम पे ये नहीं पहुंच सकता, बल्कि बाद उसको जुमले में इजहार भी करता है कि हमारे जैसे बनने में तुमको बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, तो बार बार में उसको नीचा दिखाने की कोशिश। वह इबा ही यानी जुलूस से बेजम भी ही, और अपने मकाम पे किसी को बैठने नहीं देगा, वो चाहे कि मेरी जगह पे नहीं बैठ सकता, और अगर कभी कोई उसकी सीट पे बैठ गया तो उसको बुरा महसूस होगा कि ये मेरे मकाम पे क्यों बैठ गया। यानी जुलूस में बैठने में जो है वो अपनी मकाम से तक जम करवाना करीब वाला भी आ जाता है कि अपने करीब भी बैठना नापसंद करेगा कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे बारे में ये आदमी बैठ गया। यानी ये चीज़ जो है वो यानी दूसरे को हकारत से देखना, वह इंतज़ार ही आई युसलम आ रही हैं या युसलम आ रही हैं, और इंतज़ार कर रहा होगा कि उसको सलाम किया जाए। दाखिल होगा कमरे में तो खुद सलाम नहीं करेगा, वो चाहेगा कोई सलाम करे उसको कि मैं अगर सामने से सलाम करूँ मैं तो छोटा करा पाऊँगा, लोगों को चाहिए कि मुझे सलाम करें, मैं क्यों सलाम करूँ। तो वो इंतज़ार करा होगा उसे सलाम किया जाए बजाय कि वो खुद सलाम करें। वह तवक्को यही यकूम माइजन बैन यदे हैं, और वो चाह रहा होगा कि हर आदमी उसके सामने आए और नर्म मिजाज से बात करें, सर झुकाते हुए बात करें, कोई भी इसके सामने अकड़ के बात ना करें, बल्कि चाह रहा होगा सब जो है उसके सामने मुलायमत दिखाएं, ताकि इसकी फौकियत जो अंदर से वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है वो चीज़ मुतासिर ना हो। वह इस दिन काफ़ी मिन कबूर वाजही, और अगर उसको कोई नसीहत करे तो फिर वो नाक चढ़ाता है, मुझे नसीहत की। जैसे बाज़ औकात जो हैं कोई अच्छी बात छोटी उम्र का बड़ी उम्र को बता दे तो ये करके बच्चे हमें सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे नवाज नसीहत करने में उसे बुरा महसूस होता है कि उसमें जो है उसका गुरूर उसे इजाज़त नहीं देता कि सामने वाले की सही बात को भी कबूल करे, बल्कि कोशिश होगी कि सामने वाले की बात को किसी भी तरह से तावीर करके गलत साबित करें, ताकि ये जाहिर ना होने पाए कि दूसरे की बात उसके मुकाबले में ज़्यादा कवी है या ज़्यादा कबूल की जाने वाली है। वह तानीफ ही फिर इरशाद ही वनु सही, और जब खुद नसीहत करने निकलता है, खुद लोगों को रहनुमाई करने निकलता है, तब वो गुरूर के साथ बताता है, तकबुर के साथ बताता है। अगर कोई उससे आगे मसला पूछे तो झिड़क के जवाब देता है कि इतना भी नहीं आता तुमको, कि बेचारा दूसरी दफ़ा मसला पूछने की जरूरत ही ना करे। यानी इजहार इल्म में जो है अपनी फौकियत दिखाता है, नसीहत करने में अपने गुरूर का इजहार करता है और दूसरे को हकीर करा देता है। यानी खुद किसी की नसीहत कबूल नहीं करता, और नसीहत जब करने जाता है तो इजहार तकबूर करता है। वह तकद्दम में ही अरे फिर महाफिर व तरकाते, और महफिलों के अंदर या रास्तों में अपने आप को मुकदम करता है, आगे आगे चलता है, क्योंकि मुझसे आगे किसी को चलना नहीं चाहिए। बाज़ अवकात तो बाज़ प्रोग्राम इनेकाद करने वालों के मसला हो जाता है कि उन्होंने स्टेज के ऊपर दो बड़ी कुर्सियाँ रखी है और नाम भी किसी का डाल दिया ऐलान में, सदर मजलिस ये होगा और मेहमान खुसूस ये होगा। तो इस किस्म के साहब बगैर बुलाए स्टेज पे पहुंच जाते हैं, और स्टेज पे भी सबसे बड़ी कुर्सी पे जाकर बैठ जाते हैं, और वो इंतज़ाम में परेशान होती है कि अब इसको हटाए कैसे यहाँ से, इसलिए दो कुर्सियाँ रखी थी जिनके रखी थी वो भी आने वाले हैं। तो ये आदमी खुद ही अपनी इज्जत करवा रहा होता है, कोई करे ना करे वो उस जगह पर जाकर बैठ जाएगा, और ये साबित करने की कोशिश करेगा लोगों में कि मैं जो है वो फौके रखता हूँ, मैं जो है वो मुकदम हूँ। इसी तरह रास्तों में आगे आगे चल रहा होगा सबके। वो अदम इल्तिफात यदे फिर मुहावराते, और अपने अतराफ वालों के आसपास जो है मुतवज्जे नहीं होता, बल्कि गुरु के साथ चल रहा होता है। वह तवक्को तकदीम यदे फिर कुल मा यदुल ताज़ीम उर्फन, और वह चाह रहा होता कि हर उस चीज़ में उसको फौके दी जाए जो उर्फ में ताज़ीम कही जाती है, उर्फ में एहतराम कहा जाता है। वो चाह रहा होता है लोग जो हैं सबसे ज़्यादा ताज़ीम करें तो उसकी करें, सबसे ज़्यादा इज्जत दे तो उसकी इज्जत की जाए। यानी जो भी उर्फ में है, अगर उर्फ में सलाम ताज़ीम है तो चाह रहा होता है सबसे पहले सलाम उससे किया जाए,
उर्स में अगर हाथ मिलाना ताजिम है तो चारों सबसे पहले हाथ आके उससे मिलाया जाए। वो इस बात को पसंद नहीं किया कर रहा होगा कि पहले किसी और को मिला रहे फिर उससे आके मिलाए, तो समझेगा तो मेरी तोहीन हो गई, ये तो मुझे जो है वो छोटा समझा गया। वबिल जुमला, खुलासा ये कि अल आमारु सादिरतुन किब्र कसीरा, कि किब्र की वजह से जो काम इंसान करता है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हैं कि जो इंसान किब्र के नतीजे में करता है। और अगर गौर करे तो अपने कई आमार और अकवार के अंदर उसे महसूस हो जाएगा कि कौन सा जुमला उसके मुंह से जी आने। किब्र की जो तारीफ बयान की गई उसकी वजह से खुद इज्जत चाहना ये बुरी बात नहीं है, इस तरह की इज्जत चाहना कि अपने को दूसरे से फौक करार देना कि भाई मेरी जैसी इज्जत किसी को ना मिले, मेरा जैसा एहतराम किसी को ना मिले, मैं सबसे ऊपर होना चाहिए एहतराम में, वरना बजाय खुद इंसान इस बात को पसंद करे कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए तो अच्छी बात है, वो दूसरे को गिरा के नहीं। एक होता है कि मुकाबले में मसलन दो आदमी भाग रहे, इसमें दोनों का जज्बा होगा कि जो है वो पहले पहुँचे, तो ये जज्बा बुरा नहीं है। बुरा कब बनता है कि जब वो पहले पहुँचने दूसरे को धक्का देता है तो उसको गिरा के फिर मैं पहले पहुँचूँ, अब बुराई होना शुरू होगी। तो वैसे इंसान चाहे कि मैं अजीज़ करार पाऊँ, इज्जत वाला हूँ लोगों के नज़दीक, बुरा नहीं है, मगर दूसरे को ज़रीर रुसवा करके इज्जत वाला बनना चाहे वो कभी है। तो किब्र की वजह से जो आमार सादिर होते हैं वो बहुत सारे हैं। वला हाजता इला एहसा यहाँ ले कौन मशहूरतन मारूफतन, और ज़रूरत नहीं कि हम सारी चीज़ें बता दें किब्र की वजह से क्या क्या होती है, इसलिए सबको पता है कि किब्र के नुकसान क्या क्या हैं। वह मिन जुमलतहा अल इख्तियार फिल मशी व जर्र सियाब, और इसके अलामतों में से एक अलामत ये कि इंसान अकड़ के चलता है, थोड़ा पाँव पटक पटक के चल रहा होता है, और दूसरी अलामत क्या है कि लिबास घसीटते हुए चल रहा होता है, कि लिबास जान बूझ के लंबा पहनेगा और घसीटते हुए चलेगा। किसी का इत्तेफाक से लंबा सिर गया वो अलग बात है, इस जैसे हमने कहा कि इरादा शामिल है, इरादा हो कि लिबास घसीट के चले, ये अपने यहाँ तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता जहाँ पर अबा पहनने का रिवाज है कि मर्द भी जहाँ अबा पहनते, अपने औरतें पहनती हैं वो सकते हो घसीट के चलती भी हों, तो वो अबा लंबी करवाते ताकि अपने किब्र का इजहार हो, कि अबा को जो है वो घसीट के चले। कि इज़ा फ़ाइलहुमा यरा नफ्सहु फ़ौकर अक्सर व यक्सुदु बिहिमा इस्तिकारहुम, कि ये दोनों काम करने वाला यानी अकड़ के चलने वाला, पांव पटक के चलने वाला और अबा को घसीटते हुए चलने वाला, इन दोनों का इरादा क्या होता है कि अपनी फौकियत का इजहार करे और दूसरे को हकीर करार दे। फहमा यकतजियान मुतकबर रहे हैं, तो ये दोनों इस चीज़ के ज़रिए से तकबर करना चाह रहे हैं, मगर ये दो मिसालें हैं, ज़रूरी इन दोनों चीज़ों के जैसे कोई और चीज़ के जैसे भी इंसान तकबर करता है और कर सकता है, कि इंसान बाज़ औक़ात ऐसा लिबास पहने और देखे कि ऐसा लिबास है किसी के पास, और जिसके पास नहीं है उसको हकीर करार दे, या चश्मे की बहुत ही अच्छी फ्रेम बनवा ली और फिर देखे कि ऐसी फ्रेम किसी के पास नहीं है, उसके लिए तकबर करे, ज़रूरी नहीं कि किसी खास चीज़ के ज़रिए से हुए। तो दो मिसालें हैं कि जहाँ पे भी ये वाला जज्बा आ जाए कि दूसरे को गिराना है, दूसरे को हकीर करा देना है, दूसरे को पस्त करा देना है और अपनी फौकियत का इजहार करना है, तो फ़यकुनान मिन अनवाए तकबर वमा वरदा फ़ी ज़म्मिहिमा यदुल्लु ऐसन अला ज़म्मिही कमा याती। और जो जो रिवायतें इन दोनों जो की मज़म्मत में आई है कि जिसमें कहा गया कि लिबास इतना तवील ना पहना जाए कि जिससे तकबर का इजहार हो, वो असल में तकबर की मजम्मत के लिए आई है न कि उस लिबास की मजम्मत के लिए। वह हाजिर अफ़ार मुअब्बर अनहा भी तकबर का तस्तुर अने हिकद अविर हसद अविर रिया है, कि ये अफ़ार है कि जिसको ताबीर किया जाए तकबर से, कि ये तकबर हैं। तकबर की असल वजह तो क्या है, जैसे हमने अर्ज़ किया कि किब्र हैं, और किब्र की असल वजह क्या है, वो उज्ब हैं, कि उज्ब के नतीजे में किब्र, किब्र के नतीजे में तकब्बुर। कहते तीन चार सिफतें और भी है कि जिसकी वजह से तकब्बुर पैदा होता है,
कि बाद में किब्र नहीं होता है फिर भी तकबर पैदा होता है। किब्र का मतलब क्या है कि अंदरूनी कैफियत, किब्र नहीं होता है फिर भी तकबर पैदा होता है। ये कब होता है? कहते अगर इंसान के दिल में हसद हो तो हसद की वजह से भी इंसान कभी तकबर करता है, बावजूद के दिल में किब्र नहीं है मगर किसी शख्स से हसद है तो अब इंसान में जज्बा पैदा होता है कि उसको नीचा दिखाओ। तो अब उसको नीचा दिखाने के लिए वो कोई ऐसा काम करेगा जिसमें इजहार तकबर हो रहा होगा, या अगर दिल में कीना है किसी के बारे में, हिक्द करब्स, जो वैसे तो मकसूर फा भी है और मफतूर फा भी है, जैसे पिछले उसमें शायद सवाल भी आया था, मगर ज़्यादा राइज जो है वो उर्दू में तो मकद कहते हैं मगर असल में जो हिक्द ज़्यादा राइज है, इसलिए इसको सही जवाब वही माना जाएगा कि मकसूर ऐन वाला था, हिक्द यानी कीना। अगर किसी के बारे में दिल में कीना है तो उसके नतीजे में भी जो है वो तकबर पैदा होता है। और तीसरी चीज़ जो बयान करें मुसनिफ वो है रिया, कि जब इंसान में दिखावे का जज्बा हो, रियाकारी का जज्बा हो, उसकी वजह से भी इंसान तकबर करता है। तो तकबर की चार वजह हो गई, किब्र, हसद, रिया और हिक्द, इन चारों में से किसी भी चीज़ की वजह से तकबर पैदा हो सकता है। व इन लम तकुन फी नफ्सि इज्जतुन व तअज्जुमुन, अगरचे ये तकब्बुर जो बाकी तीन चीज़ों की वजह से पैदा हुआ है, रिया, हिक्द और हसद, ये वो वाला तकब्बुर नहीं है कि जो किब्र की वजह से पैदा होता है, यानी दिल में नहीं होगा तकब्बुर, वो इजहार तकब्बुर कर रहा होगा और वह क्यों कर रहा होगा, रियाकारी की वजह से या हसद की वजह से या कीने की वजह से। अब जो किब्र की मजम्मत में जो आयात और रिवायात आई है इसमें से कुछ का बयान जो है आज आ सकेगा। फसुन जम्मुर किब्रे अर किब्रो आफतुन अजीमतुन व गायरतु हायरतुन, के किब्र जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत है और जो इसमें फंस गया उसने गोया हलाकत को अपने लिए पसंद कर लिया, वो गोया हलाक हो गया। वह बेही हलक का खवास अनाम फजन अन गैर मन अवाम, कि ये वो सिफत है जिसकी वजह से अवाम तो दूर की बात है, खवास भी जो है वो बर्बाद हुए हैं, यानी खास किसी शोबे के अंदर माहिर जो थे वो भी इस किब्र की वजह से, इस तकबर की वजह से हलाक हुए। वो आलिम के जिसको तकबर पैदा हो गया उसकी हलाकत आ गई खुद ब खुद, वो किसी शोबे का माहिर के जिसके अंदर तकबर पैदा हो गया वो हलाक हो गया खुद ब खुद ही। अवाम में तो ये चीज़ आम तौर पर पाई जाती है मगर खवास में भी ये पाई जाती है, और जब ये आ गई ये सिफत तो गोया उसके लिए हलाकत जो है वो यकीनी हो गई। कि वह और हिजाब और आज़म और वसूर अदा अखलाक मोमिनीन, कि मोमिनीन के अखलाक तक पहुँचने में ये बहुत बड़ा पर्दा है, बहुत बड़ा हिजाब है, कि तकबर की वजह से इंसान उन अखलाक से आरास्ता नहीं हो सकता कि जो मोमिनीन के लिए ख़ास किए गए हैं। इसफ़ी है इज़्ज़ुन यमनो अनि तवाज़ु, एक जब इंसान का तकबर होता है तो तवाज़ु से दूर भागता है, और जैसे पिछली गुफ्तगू में आया था कि तवाज़ु ही सबब है कि जिसकी वजह से इंसान उरूज पर पहुँचता है, तो मुतकब्बिर आदमी तवाज़ु नहीं करता, तो तवाज़ु नहीं करेगा तो उस अजमत से जो है वो दूर रहेगा। इस तरह से वह कज़्मिल गैज़, गुस्से को जब्त नहीं कर पाएगा जो मुतकब्बिर होगा तो, और कज़्मिल गैज़ ये सिफत है कि जो इंसान को उरूज पर पहुँचाती है, इससे दूर रहेगा। इस तरह से वह कुबूर नसों, नसीह तकबूर नहीं करेगा ये आदमी जो मुतकब्बिर होगा, वो समझे मैं ही बड़ा आदिम हूँ तो अब कोई और आके मुझे कैसे सिखा सकता है। जिसके बाद तकबूर नहीं होगा, तवाज़ो होगा, वो किसी की बात सुनेगा, वो इस बात को मानने को तैयार होगा कि हाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो फिर इसरा की बात आएगी अपनी, मगर जो अपने ही सब आपको ही सबसे बड़ा समझ रहा है वो किसी की बात को कबूल करने को तैयार नहीं होगा। वह दवा में रसद के व तर के गज़ब वर हिक्द वर हसद वर गीबत व इज़ाए बिन्नास वगैरह सारे, और ये सारी खराबियाँ इसके अंदर पैदा होगी कि मुतकब्बिर शख्स फिर हसद में मुब्तला होगा। इसे कि उसका तकब्बुर क्या था कि मैं सबसे बड़ा किसी महफिल में गया तो उसका ख्याल यह था कि मुझे सबसे आला जगह पर बिठाना चाहिए, पता है जा किसी और को बिठा दिया, अब फौरन उस शख्स के बारे में हसद पैदा हुआ इसके दिल में कि अगर ये ना होता तो मैं इस जगह पे बैठा होता, तो
तो ये आदमी सबब बना कि मैं इस जगह पे नहीं पहुंच पाया, तो हसद की वजह तकब्बुर बनी। इसे कीना तकब्बुर की वजह से पैदा होता है कि जब वो देखता है कि वो अपने आप को उसको बड़ा साबित करना था, साबित नहीं कर सका, तो जो शख्स रुकावट बना उसको बड़ा साबित करेंगे, उसके बारे में इसके दिल में दुश्मनी बैठ जाएगी। तो ये हिकद पैदा हुआ तकब्बुर की वजह से। इस तरह से गीबत, गीबत क्यों करता है इंसान, मुख्तलिफ वजूहात हैं, एक वजह तकब्बुर भी होता है। वो ये बहुत आसान है तौबा को तो ये जानने के लिए, अगर एक शख्स जो है वो समझ रहा होता है कि मेरी तरकीबें बहुत अच्छी हैं, उसके सामने जो है वो आप किसी और की तारीफ कर दे, भाई फना साहब की तरकीब अच्छी है, और फ़ौरन उसकी दो बुराइयाँ निकालेगा कि नहीं नहीं फना जगह पे वो वाली तरकीब उसकी गलत हो गई थी, या जिसकी सर्फ अच्छी है उसके सामने तारीफ करे किसी और तारीफ की कि फना की सर्फ अच्छी है, वो फ़ौरन बताएगा कि नहीं नहीं फना जगह सीधा गलत बताया था उसने। तो गीबत जो होती है इसकी भी एक सबब यही है कि इंसान अपने को बड़ा समझ रहा होता है तो इस बात को कबूल नहीं करता कि उसके सामने किसी की तारीफ की जाए। ये फ़कत दीनी तालिब इल्मों के लिए या उलमा के लिए नहीं, आप किसी डॉक्टर के पास जाके दूसरे डॉक्टर की तारीफ कर दे, वो फ़ौरन दो बुराई निकाल के दिखा देगा कि नहीं नहीं फना या उसने गलत इलाज कर दिया था, बस मंदा जो है मरते मरते बच गया। तो ये हर शोबे के अंदर है कि उसका जो तकब्बुर है वो उसको उभारता है कि सामने वाले की गिबत की जाए। तो तकब्बुर की वजह से हसद, कीना, बुग्ज, अदावत और लोगों को जलील करना, रुस्वा करना, ये सारी चीज़ें इसी वजह से पैदा होती है। फमाम इन खुरकिन मजमूम इन इज़्ज़ा व साहिब और किबर मुस्तर रही हैं। तो आसान अल्फाज में मुसनिफ कहते हैं कोई भी बुरा अखलाक नहीं है, मगर ये कि वो पैदा तकब्बुर की वजह से होता है कि हर जो बुरा खुल पैदा होता है। मुतवाज़े शख्स ना कभी गिबत करेगा, ना कभी वो किसी से कीना रख रहा होगा, ना उसको असर पैदा हो रहा होगा, तकब्बुर होगा तो ये सारी बुराइयाँ खुद बखुद ही उसके साथ आती जाएगी। और वजह क्या होती कि यखफुज़ बिही इज़्ज़तुहू, वो चाह रहा है कि मेरी इज्जत इसी से सलामत रहेगी, वो समझे मैं दूसरे को गिराऊंगा तो मैं बड़ा समझा जाऊंगा, अगर दूसरे को नहीं गिराया तो लोग मुझे बड़ा ही नहीं समझेंगे। तो इसकी सारी जद्दोजहद यही होती है कि मैं दूसरे को किसी भी तरह से गिराऊँ। मैं वमा मिन खुल्किन महमूदिन इल्ला वहुवा आजिज़ुन अन्हू, और कोई भी अच्छी सिफत नहीं है मगर ये कि मुतकब्बिर शख्स जो है वो इससे महरूम रहता है, इससे आजिज रहता है। क्यों? कहते खौफन मिन फवात इज्ज़त ही, इसे उसको डर होता है कि उसकी इज्जत जो है वो चली ना जाए, वो चाह रहा होता है कि किसी गरीब की मदद करे मगर उसका तकब्बुर से रोकता है कि नहीं, ये मसलन ये अगर किसी ने मुझे देख लिया कि मैं इतने मामूली आदमी से बात कर रहा हूँ तो लोग क्या समझेंगे कि ये तो इतना नीचे गिर गया कि आम लोगों से भी बातें कर रहा है। तो ये तकब्बुर बाज़ों का तो इस नए काम से भी रोक लेता है। और इसी तरह से मुख्तलिफ मिसालें आप बना सकते हैं। वक्त ख़त्म हो गया, तबरकुन एक आयत जो है वो पढ़ रहे थे, दिगर आयत जो है कराएगी कि वज़ा वरद फिर ज़म्मा वरद मैंने आयात वाल अखबार कार्ला सुबहानु सूर गाफिर की आयत नंबर 35 के कज़ार का यतबाला कुल कलबिन मुतकबरिन जब्बार के परवरदिगार इसी तरह से मोहर लगा देता है किस आदमी के दिल के ऊपर, कहते तो जो मुतकबिर हैं वो जब्बार हैं, जो तकब्बुर करता है और अपनी गलत बात पे अकड़ा रहता है चाहे इसकी वजह से जुल्म ही क्यों ना हो रहा हो, चाहे इसकी वजह से जबरी क्यों ना हो रहा हो, मगर वह अपनी गलत बात से हटने को तैयार नहीं होता है। इसमें दिगर आयत भी हैं और फिर अहादीस भी हैं जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। शुरुआत पढ़ेंगे।